तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ, ये है वो जगह। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉटल से लोग फिशिंग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो फिशिंग कर रहे हैं। आप वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 5 बजे से, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, थोड़ा बिजी था। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं नैनो की लाइन लगी है, तो ये अपनी गाड़ी है, तो अभी इसको स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे। तो गाइस अभी मैंने गाड़ी कर दिया हूँ स्टार्ट, तो गाड़ी को थोड़ा गर्म होने देंगे इंजन। तो गाइस मैं अभी निकल चुका हूँ हमारी पार्किंग से, तो ये थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, इसको अवॉइड इग्नोर करो। तो अभी सामने का व्यू देखो, क्या खूबसूरत हो रहा है। आसमान में क्लाउड्स है, और ये हमारा अब्दुल्ला आ रहा है। अरे तो ये सामने का व्यू चेक करो कितना खूबसूरत हो रहा है। तो अभी मैं तो सामने ही जाने वाला हूँ, यहाँ पे है ना कुछ लोग फिशिंग करते हैं, इधर सामने एक नदी खाड़ी है, तो वहाँ पर जाएंगे। तो इधर लेफ्ट में है वो जगह, देखते कुछ लोग है क्या। यहाँ पर बारिश के बाद जब ऐसी धूप आती है ना, और जब आसमान एकदम खुला खुला होता है, तब बहुत अच्छा देखने के लिए लगता है। तो गाइस यहाँ पर है ये जगह, इसके पीछे नदी है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तीन बाइक तो दिख रहे हैं, तीन लोग यहाँ पर आए हैं फिशिंग करने के लिए, तो लोग उधर पीछे साइड में होंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे, देखेंगे ऊपर आसमान में व्यू चेक करो कितना मस्त हो रहा है। ये है वो जगह। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग फिशिंग करने के लिए बैठे हैं सब लोग, तंगू जाला लेके बॉटल में पकड़ रहे हैं इन लोग। तो अभी पानी कम है इधर, तो ये तो 2, 4 और 6, 7 लोग हैं, पानी कम है। हाँ ऊपर तक पानी रहता है, वो जो हड़ी घास है ना उस वहाँ तक रहता है पानी, अभी कम है। तो यहाँ पर ये खड़ी है जो उस तरफ जाती है, तो ये भी देखो कितना मस्त हो रहा है। मैं आया था यहाँ पे देखने को, मच्छी विच्छी मिलेंगी देखने को, तो यहाँ पे पानी ही कम है एकदम। ये लोग क्या बॉटल से पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आज पानी भी कम है, बारिश नहीं हो रही है ना, और भर्ती भी नहीं आई है। हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं ना, तो अभी लो टाइड हुआ है, हाई टाइड नहीं है, तो पानी भी कम है, तो मच्छी मिलने का भी कम चांसेस है। तो कैसे ये देखो ये लोग कैसी मच्छी पकड़ रहे हैं, आटा उसके अंदर बॉटल में डाल के, ये बोतल फेंकेंगे उधर, फिर उसमें मच्छी फंसेंगी। तो अभी ये उड़ा रहे हैं उधर पानी के अंदर, तो अभी ये पानी के अंदर जाएगा, और जब वो आटा खाने के लिए मछली जब आएंगी ना, तो वो बोतल के अंदर फंसेगी, और जब फंसेगी तो उनको पता चलेगा, तो फिर वो खींच के निकालेंगे। अब ये कंटेनर उड़ाया इधर, लेकिन इन लोग बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, इन लोग को मच्छी मिलने लगी। अभी मैंने उससे बात की ना, ये देखो ये खाली खाली निकाल रहा है, मच्छी नहीं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वापस, इन लोग को मच्छी भी नहीं मिल रही है, और अभी पानी भी नहीं है ना, तो इसलिए मच्छी लगेंगी नहीं जल्दी। तो इन लोग 4, 6, 7 लोग हैं मच्छी पकड़ने बैठे हैं, लेकिन मच्छी क्या लगने रखे। तो अभी मैं इधर आया था बिलाल की दुकान के पास, तो बिलाल तो नहीं है यहाँ पर,
तो अभी मैं जा रहा हूँ बाईपास पे, वहाँ पर है ना बच्चे लोग शाम के टाइम पे क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो ये चढ़ाई वाली जगह है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से बाईपास ऊपर साइड में है। बाईपास रोड है, अभी हम लोग ऊपर आए हैं। बारिश गिर के ख़त्म हुई है ना थोड़ा, तो हरियाली हरियाली हर तरफ। तो ये पीछे मोहल्ला है और यही मोहल्ले के बच्चे लोग यहाँ पर नीचे खेल रहे हैं। ये छोटा सा ग्राउंड बना है इन लोग ने, अंदर साइड में नीचे जाना पड़ेगा। तो ये है इन लोग का छोटा सा ग्राउंड, ये बॉक्स टाइप खेलते हैं यहाँ पर अंडर आर्म। तो अभी तक बच्चे जमा नहीं हुए इधर, तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, देखेंगे इन लोग क्या कैसा खेल रहे हैं। तो पहले अपने को रास्ता देखना पड़ेगा नीचे जाने का कैसा है। इधर से शायद नीचे जाते मैं आया हूँ, इधर मैच चालू हो गई है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं सामने से सूरज आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैच शुरू है। तो अभी मेरे को इतना बैक कैमरे में जमता नहीं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेम में मैं हूँ नहीं हूँ, किधर है लेफ्ट में राइट में। तो मैं ज़्यादा करके फ्रंट कैमरे से ही सामने का शॉट लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है पीछे हरियाली वगैरह, तो गाइस देख सकते हैं ऐसा कुछ खेल रहे हैं इन लोग देसी क्रिकेट। क्या कर रहा है ये पता नहीं। तो जो जैसा गली क्रिकेट होता है ना वैसा ही ये क्रिकेट है। तो ये ओवर आर्म खेल रहे हैं, मतलब बॉलिंग वाला सीन नहीं है, जगह पे खड़े रह के बॉल डाल रहा है। ये बॉक्स टाइप है मेरे ख्याल से, छक्का आउट है इसमें, खाली चौका, सिंगल डबल चौका। तो ऐसा सीन है और ये आउट, ये आउट हो गया है बंदा, डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर बॉल, सिक्स आउट है। वाइड बॉल, वाइड बॉल है। तो यहाँ पे क्या फेंक रहा है और ये दो रन, ये इधर कितने दो रन है ना, एक रन। तो यहाँ पे सिंगल है और ये भाई ने फिर से इधर मारा हाथ में। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है इन लोग का क्रिकेट कमेंट में ज़रूर बताओ यार, कोई कमेंट में बता था ना वीडियो कैसी लग रही है, क्या लग रही है। और ये हमारे जैद भाई है यहाँ के कप्तान। इधर लफड़ा हो गया है, अभी मारा मारी होने वाली है। तो अभी लगता है डंडे से मारने वाले हैं सब एक दूसरे को, मैनेजमेंट का इशू है। गाइस देखने में जाम मजा आ रही है, लेकिन इन लोग ऐसा एक एक बॉल के बाद पाँच पाँच मिनट झगड़ रहे हैं। इधर मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं, इन लोग की आवाज़ में मेरी आवाज़ एकदम दब रही है। तो मदरसा भी है यहाँ पे पीछे साइड में। अरे 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 जस्ट मिस, भाई ने अभी तक तीन चौके मारे हैं ये। अरे अरे तो गाइज आपको ये कैसा लग रहा है इन लोग का मैच मेरे को ज़रूर बताओ। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। गाइज वापस से झगड़ा हुआ है, आउट चाहिए बोल रहे हैं लोग। ए बाबा सॉरी, कप्तान को मारो, कप्तान को मारो।
तो गए यहाँ से ऊपर आया मैं तो माशाल्लाह इधर मदरसे के बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये आसमान में देखो क्या मस्त सीन हो रहा है, एक नंबर। सूरज उस बादल के पीछे जो पर एकदम फोकस के जैसे रोशनी आ रही है। अभी हम लोग उधर ऊपर जाएंगे, वहाँ से भी अच्छा दिखता है। तो गाइस ये नज़ारा चेक करो आसमान में, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे वहाँ उस तरफ जाना है पीछे, वहाँ पर जाके ज़रा बैठेंगे। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर आके बैठा हूँ, उन लोग की मैच देखा उसके बाद इधर आया मैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सुकून है, देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर पूरे ऊपर पहाड़ है, इधर नीचे खाई है। और आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ पूरे मसला का व्यू देख रहा है यहाँ से, ये देखो। तो ये है हमारा मसला, कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से। तब मैं बाईपास पे बैठा हूँ और इसके यहाँ पर है, ये है मदरसा और ये है गौलवाड़ी। तो अभी यहाँ पे इतनी शांति है ना, अगर किसी को एकदम शांति में आके बैठना है, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है तो ये जगह देख सकते हैं, एकदम शांति से भरी हुई है। मतलब यहाँ पे ना किसी की किट किट पिट पिट कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब एकदम आदमी नेचर से कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो ये एकदम गांव का आउटसाइड एरिया है, यहाँ पर इतना अच्छा नीचे देख सकते हैं, अब पूरे गाँव का व्यू दिख रहा है। फिर यहाँ पर सामने मदरसा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, उसके बाद इधर पीछे पहाड़ी है। तो अच्छा व्यू है, मतलब आके आदमी शांति से बैठ सकता है थोड़ी देर और थोड़ा रिलैक्स फील कर सकता है। तो गाइज़ आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ मेरे पीछे देख सकते एक क्रेन आ रहा है, मतलब ट्रेलर के ऊपर एक क्रेन है लेके जा रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कितना बड़ा है, फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। तो गाइज अभी इसी खूबसूरत सीन के साथ हम लोग इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी शाम का भी टाइम हो गया एकदम। देखो पीछे मेरे सूरज गुरूब होने को है। तो अभी मैं जाऊंगा घर, मुझे बाज़ार भी जाना है, थोड़ी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके कोई भी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।